छोटा भाई है भाई मेरा ये भाई। हाँ अब ये रिश्ता बन गया है, तुम्हें नहीं पता नहीं है। जेन्युइनली मैं फील करता हूँ भाई, तुम छोटे भाई हो यार, 5 साल छोटा है मुझसे, छोटे भाई जैसा है। और ये मैं लिख के दे रहा हूँ हमारे YouTube में, नेक्स्ट जो इंटेलेक्चुअल स्फीयर में है तुम ही हो, जो टाइटंस में कहूंगा। मैं चाहता हूँ तुम जैसे लोग साथ में खड़े हो, इस प्लेटफॉर्म की कोई रिस्पेक्ट ऐड करें हम इसमें। मैं सच बताऊं इस वक्त आई डोंट नो हु दिस पर्सन इज, आई हैव नो आइडिया, बिकॉज जो चीजें लाइक इफ आई हैव आइडियाज वो फिर बोलने लायक नहीं, मतलब अच्छे नहीं है, तो ऑब्वियसली फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस वो अच्छे नहीं है, तो वही है। एंड आई डोंट नो, देखो काफी शॉक हुआ हूं मैं। आप सभी को अभी तक ये पता चल चुका होगा कि YouTube इंडिया में एक काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है। श्वेताब गंगवार, संदीप माहेश्वरी और प्रखर के बीच ये कंट्रोवर्सी क्या है, कहां से शुरू हुई, इसकी इन्फॉर्मेशन तीनों ने अपने अपने चैनल पे डाली हुई है। अगर आपको डीपली इस मामले को समझना है तो उनके चैनल पे जाके आप देख सकते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। सबको ये लग रहा था कि ये मामला अब खत्म हो चुका है, पर अचानक से ये न्यूज़ आती है कि प्रखर ने श्वेताब के ऊपर 2 करोड़ का डेफेमेशन केस फाइल किया है। डेफेमेशन केस लोग तब फाइल करते हैं जब किसी ने उनके खिलाफ गलत फैक्ट्स लोगों के सामने दिखाए और उनकी इनकम में लॉस हो गया। वैसे सभी लोगों ने इस बात पर यकीन कर लिया था और अभी भी कर रहे हैं, पर यह सच नहीं है। अभी रिसेंटली प्रखर ने अपनी लेटेस्ट वीडियो में क्लियरली ये बोला है कि केस संदीप महेश्वरी के ऊपर किया गया है, ना कि श्वेताब के ऊपर। अभी तक मैं भी यही मान रहा था कि श्वेताब पर केस हुआ है, पर एक्चुअल में संदीप महेश्वरी पर केस हुआ है। एट दिस पॉइंट ऑडियंस को किसी पर भी ब्लाइंडली यकीन नहीं करना चाहिए, चाहे वो श्वेताब हो, चाहे वो संदीप हो या फिर प्रखर हो। अब जब केस कोर्ट में जा चुका है तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि कौन सही है और कौन गलत। और अगर आपको प्रखर को हेट करना है या उसे गालियां देनी है तो एटलीस्ट एक बार उसकी बात सुनिए, उसने जिन फैक्ट्स को प्रेजेंट किया है उसे भी एक बार सुनिए, फिर आप एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं। और जितने भी क्रिएटर्स ने सेव श्वेताब गंगवार पे वीडियो बनाई है, आई डोंट थिंक कि उन्हें पूरी कहानी का आइडिया था, जो कि अब प्रखर के रीसेंट वीडियो के बाद सामने आ रही है। मैनी ऑफ अस बिलीव्ड एवरीथिंग दे सेड अबाउट प्रखर एंड अबाउट दिस कॉन्ट्रोवर्सी। इवन प्रखर की ऑडियंस ने तक यह यकीन कर लिया था कि प्रखर ने सच में श्वेताब के ऊपर केस किया है। और वो यकीन करे भी क्यों ना, जब पब्लिकली इतने बड़े लेवल पे आके वो ये बात बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली उनके पास एविडेंस होंगे उनकी बात को सपोर्ट करने के लिए। हम सब ने यही अज्यूम किया था, पर ये फाइट इंटेलेक्चुअल्स के बीच में है तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो लेट द कोर्ट डिसाइड कि कौन सही है और कौन गलत। इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी से हम सिर्फ सीख सकते हैं। इस कॉन्ट्रोवर्सी से हमें एक बड़ी सीख ये मिलती है कि हम लोगों को मैनिपुलेट करना कितना ईजी है और कैसे नरेटिव सेट किए जाते हैं किसी को उठाने के लिए और किसी को नीचे गिराने के लिए। सो बी केयरफुल, किसी भी इंसान का पर्सपेक्टिव बाय करने से पहले उसे अच्छे से समझने और परखने की कोशिश करें।